हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज एक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज एक्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को दिख रहा होगा, आज मैं थर्मोडायनेमिक्स के जो कि एसएससी जेई 2007 से लेकर 2015 तक के सारे क्वेश्चन आए हुए एक ही क्वेश्चन आपके साथ कवर कर दूंगा। और इससे पहले मैंने जो है प्रोडक्शन की 120 प्लस जो कि एसएससी जेई 2007 से लेकर 2015 तक के आए थे वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लें। यहाँ पर हम ऑलरेडी सारे जो एसएससी जेई के 2015 तक के क्वेश्चन है वो एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक बिना देर करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए, अकॉर्डिंग टू द विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज वॉल्यूम बाई 1/20273/3 ऑफ रीजन ओरिजिनल वॉल्यूम 0°C 1° चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एक आपको टर्म दिख रहा होगा प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो आप लोग को पता होगा प्रेशर किसमें कॉन्स्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस लॉ। बॉयज लॉ होता तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंडेंट ऑन, तो कार्नोट साइकिल की जो फ्रेंड्स एफिशिएंसी होती है वो आपकी टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक पे डिपेंड करती है। आप लोग को पता होगा कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1-T2/T1, ये आपको पता होगा ये फॉर्मूला। तो ये आपका ये टेम्परेचर होता है सोर्स का और ये होता है आपका सिंक का टेम्परेचर, ठीक है। स्टर्लिंग एंड इरेक्शन साइकिल आपकी कैसी साइकिल है, ये सारी साइकिल कैसी है, रिवर्सिबल साइकिल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीरोथ लॉ आपका क्या देता है, जीरोथ लॉ से फ्रेंड्स आपको जो मिलता है वो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जो होती है फर्स्ट लॉ से मेजर करी जाती है और जो आपकी एंट्रोपी होती है वो सेकंड लॉ से मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी फ्रेंड, जब आपकी साइकिल कैसी होगी, रिवर्सिबल। जब रिवर्सिबल होगी तो किसी भी तरीके से कोई फ्रेंड्स लॉस नहीं होगा। तो इसके लिए आपका क्या नाम है, कह सकता हूँ कि रिवर्सिबल साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरिवर्सिबल साइकिल, इनमें से कौन सी इरिवर्सिबल साइकिल है। तो देखिए कार्नोट साइकिल भी रिवर्सिबल है, इरिक्सन साइकिल भी रिवर्सिबल है, स्टर्लिंग साइकिल भी रिवर्सिबल है। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी सारी साइकिल रिवर्सिबल है, कोई भी इरिवर्सिबल साइकिल नहीं है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वेरी इजी क्वेश्चन। और आइस एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है फ्रेंड्स हमेशा हेट्रोजीनियस होता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि पूरी तरीके से आपस में मिलेंगे नहीं, तो इसलिए आइस और वाटर का जो मिक्सचर माना जाता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। बाकी क्लोज सिस्टम आप लोग को पता ही होगा, क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं मास जो होता है ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ओपन सिस्टम में बहुत एनर्जी मास ट्रांसफर हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये देखिए इसी से रिलेटेड आ गया, ना ही मास और ना ही आपकी एनर्जी जिसमें ट्रांसफर नहीं होगी फ्रेंड्स, वो कौन सा सिस्टम होगा, वो आपका सिस्टम होगा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, जिसमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इन ए केस ऑफ बॉयज लॉ इफ द प्रेशर इंक्रीज बाई 1% द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कह रहा है कि प्रेशर डिक्रीज बाई प्रेशर इंक्रीज बाई 1%, ठीक है। तो आपसे पूछा है वॉल्यूम कितना आपका डिक्रीज होगा, तो आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन P1V1 बराबर हो जाएगा P2V2। P1V1 बराबर फ्रेंड्स P2V2, आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, P2V2, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो अगर हम यहाँ पे प्रेशर का देखें, तो अगर प्रेशर 1% बढ़ गया तो प्रेशर हुआ कितना, प्रेशर हुआ 101/100, है ना, ये आप कह सकते हैं 1% बढ़ा, क्योंकि मान के चलते प्रेशर पहले 100 था, एक बढ़ा तो यानी 101 किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, तो प्रेशर कितना हो गया 101%। और आप जानते हैं जो प्रेशर होता है और जो प्रेशर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम का क्या होता है, जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रेशर का जस्ट उल्टा कर देंगे तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी, सीधे सीधे हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स जो भी आपकी वॉल्यूम में है। तो 101/100 की जगह हम क्या कर देंगे, 100/10%, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इतना इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मतलब इसका मेथड ये भी कि आपको यहाँ पे V1 और V2 निकाल के भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो V2 आएगा फ्रेंड्स, V2 यहाँ पे कितना वॉल्यूम आपका जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा आप देख सकते हैं। अगर हम 1% उसमें गेन कर रहे हैं तो 100/ हो जाएगा 101%, ठीक है, V1 हो जाएगा, तो आपका V1 मान लीजिए 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/101 भी। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग आपका जो हो जाएगा, आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, V1-V2/ और यहाँ पे करेंगे V1 × 100, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे V1 की वैल्यू आपकी V1 हो जाएगी और V2 की वैल्यू उठा के रख देंगे आप 100/101, तो इसके अकॉर्डिंग जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 100/101 आ जाएगा। दोनों तरीकों से आप लोग ये कर सकते हैं।
बाकी देख सकते हैं बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग पॉइंट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम मार्क कर लें। द बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर आर मार्क एट अ टेम्परेचर स्केल ऑफ पी पी एस 30 पी एंड -20 पी। ठीक है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखे हैं किसी स्केल पर 130 पी है और दूसरा क्या है -20 जो है फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। आपसे पूछा गया 60 डिग्री के स्केल पर ये मतलब क्या रीडिंग, मतलब 60 डिग्री स्केल पर आपकी सेल्सियस में रीडिंग क्या होगी, तो हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसे करने का आसान तरीका क्या रहता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे मानते हैं बॉइलिंग, यहाँ पे मानते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, तो आप बताइए बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, ये 130 पी, तो यहाँ लिख लेते हैं 130 पी। ठीक है, और आप लोग जानते हैं सेल्सियस के पैमाने पर कितना होता है 100 पी, आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट कितना रखा -20। ठीक है, और इसी तरीके से इस पे कितना होता है नॉर्मल स्केल पे 0। आपसे लेकिन पूछा कितना है 60 डिग्री पे, तो आप यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, आप लोग दो इक्वेशन के थ्रू इनको कर सकते हैं। पहली इक्वेशन फ्रेंड्स क्या बनेगी, आप यहाँ पे मान के ये मान सकते हैं कि एक इक्वेशन इस तरीके से पी, जो आपका पी बराबर होगा वो एसी प्लस बी होगा, एसी प्लस बी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन होगी, तो पहली इक्वेशन के अंदर आपका पी कितना दे रखा, मानते हैं पी दे रखा 130 पी, और यहाँ पे आप कर सकते हैं इक्वल, और यहाँ पे ए आपका गिवन, ए निकाल लेंगे ए इंटू, यहाँ पे सी कितना दे रखा है टेम्परेचर पे 100, और प्लस यहाँ पे आपका बी कितना दे रखा है, बी आपको निकालना है। ठीक है, ये तो पहले स्केल का लगा दिया, मतलब ये 130 पी वाले का और यहाँ पे जो 100 वाले का है, तो यहाँ पे दोनों को लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे स्केल का कर लेते हैं, दूसरे स्केल का इसी में दूसरा स्केल पुट करते हैं, क्या देखिए पी की वैल्यू इसमें कितनी है -20, इसके अकॉर्डिंग नीचे वाले में फ्रीजिंग पॉइंट वाले -20 इधर 0 है, तो यहाँ पे ए के साथ कितना हो जाएगी 0, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगी फ्रेंड्स बी, तो बी बराबर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स -20, बी बराबर आएगा -20। ठीक है, अब जब b बराबर -20 फ्रेंड्स आ गया, तो b बराबर -20 आप इसमें उठा के रख देंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपका है 130 और यहाँ है a बराबर a इंटू 100, यहाँ b बराबर जैसे ही -20 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 150, तो यहाँ पे 100 a बराबर हो जाएगा 150, 100 a बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे आपका 150, तो यानी a की वैल्यू आपकी फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगी 1.5। तो यहाँ पे a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू -20 आ गई, आपको निकालना कौन से स्केल पे -60 पे, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे सीधे c की वैल्यू उठा के 60 रख दी, a और b की वैल्यू निकल गई, वही आंसर हो जाएगा। तो हम कैसे आंसर निकालेंगे, p बराबर फ्रेंड्स a की वैल्यू आपका a की वैल्यू हो गई 1.5 और कितने पे निकालना 60 पे, और यहाँ पे b की वैल्यू कितनी -20, तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो आपकी जो आंसर आएगा फ्रेंड्स p बराबर 70 डिग्री p जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा b जो है 70 p जो होगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको स्टेप बता दी कि आप पहले क्या करिए, एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए ऊपर बॉइलिंग लिखिए, नीचे फ्रीजिंग पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट इस पर 130 दे रखा, नॉर्मल स्केल पर आप लोग को पता 100 होता, तो 130 और 100 ये पहला स्केल मानिए। फ्रीजिंग में देखिए यहाँ -20 पी दिया है और आपका वैसे कितना होता 0, तो पहले स्केल के अकॉर्डिंग आप लोग लगाएंगे एक फॉर्मूला याद रखिए लीनियर इक्वेशन का, पी बराबर एसी प्लस पी, एसी प्लस बी सॉरी बी होगा, तो यहां पे देखिए पी आपका दे रखा है 130। ठीक है, और ए आप ए और सी आपका दे रखा है यहाँ पे 100, तो पी बराबर ए इंटू सी बराबर 100 प्लस बी, तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, यानी 130 बराबर 100 ए प्लस बी। सेकंड इक्वेशन इसी में आपको नीचे वाला रखना है, जैसे कौन सा -20 वाला, तो देखिए पी बराबर रखेंगे -20 और यहाँ पे देखिए 0 रख देंगे, तो सी बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बी बराबर -20 आ जाएगा। जैसे ही बी बराबर -20 आएगा, बी बराबर -20 की वैल्यू उसमें जैसे रखेंगे तो यहाँ से आपको 1.5 मिल जाएगा फ्रेंड्स क्या ए। तो फिर आपको पूछा कितने स्केल पर है, देखिए 60 डिग्री वाले स्केल पे, तो 60 डिग्री वाले स्केल पे निकालने के लिए आप क्या करेंगे 1.5 को 60 से करेंगे मल्टीप्लाई और -20 स्केल में रख देंगे 1.5 और सी की जगह 60 और बी की जगह -20 रखेंगे, तो यहां से 70 फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते पीछे, तो फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आप लोग को यहाँ पे दिखी रहा होगा एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये मास पर डिपेंड करती है, तो 12 का फ्रेंड्स आपका जो डी हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी, ये क्या है, ये सब आपके पॉइंट फंक्शन है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होना चाहिए सारे क्या है पॉइंट फंक्शन है। वर्क डन ऑफ द एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन ए गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन, तो आपकी जो एडियाबेटिक स्टेट में एंड स्टेट पे जो होती है वो हमेशा किस पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, पर्टिकुलरली कौन सी एडियाबेटिक प्रोसेस है ये इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is true for reversible polytropic process, polytropic process के लिए क्या चीज जो है बिल्कुल सत्य है, तो polytropic process में हमेशा कुछ ना कुछ हीट निकलती है, ये बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है, एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों कांस्टेंट नहीं रहती है, बिल्कुल गलत है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में रहता है और ये पॉलीटेक्ट प्रोसेस में नहीं रहता। चेंज इन एंथैल्पी द क्लोज सिस्टम इक्वल टू द हीट ट्रांसफर द रिवर्सल प्रोसेस टेक प्लेस। देखिए एंथैल्पी जो होती है हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इस चीज को आप थोड़ा सा याद रख के चलिए, ठीक है। एंथैल्पी जो आप कह सकते हैं एच बराबर एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है। हीट एंड वर्क क्या होते हैं आपके, आपके हीट एंड वर्क आपके पाथ फंक्शंस होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्क द एक्सपेंशन ऑफ द गैस फ्रॉम वॉल्यूम बी वन से वी टू, अगर वॉल्यूम हो रहा है तो आपको पता ही होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, बेसिक क्वेश्चन है पी बराबर वी टू माइनस वी वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटा इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, में से कौन सी जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपकी यहां देख सकते हैं हीट जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी प्रॉपर्टी है। ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वांटिटीज, तो पाथ फंक्शन की आपको इसमें से आपको दिख ही रहा होगा, बहुत इजी सा ऑप्शन है वर्क, वर्क एक पाथ फंक्शन है, आप लोग को पता ही होगा वर्क कहते हैं कि ए से बी तक वर्क, मतलब एक पाथ पे वर्क को फॉलो करा जाता है, यानी ए से बी, यानी आप कह सकते हैं कि एक पाथ पे चलता है, इसलिए वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, पाथ फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रॉटलिंग में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बेसिकली, रट के चलिए कि थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होती है एक माइनर से होल से होती है, तो वहां पर थ्रॉटलिंग के अंदर आपकी एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे रट के चलिए। थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक, थ्रॉटलिंग के अंदर याद रखिए एंथैल्पी क्या होती है फ्रेंड्स, कांस्टेंट रहती है। फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, देखिए आपको ये देखिए क्यू बराबर आप जानते हैं यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए हीट एडेड यानी आपका हीट एड यानी क्यू और डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड और वर्क, और डब्ल्यू को भी इधर लाएंगे तो यानी क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये किसके बराबर बनेगा, इंटरनल एनर्जी, यू तो बचेगा इधर साइड में, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर द फंक्शन ऑफ, तो हमेशा ध्यान रखिए आइडियल गैस के बारे में अगर ये कह रहा है तो हमेशा ध्यान रखिए जो किसी भी के लिए इंटरनल एनर्जी और जो एंथैल्पीज होती है फ्रेंड्स वो फंक्शन किसकी होती है, वो फंक्शन होती है परफेक्ट गैस के लिए, ठीक है, टेम्परेचर के लिए फंक्शन, परफेक्ट गैस कह सकते हैं या फिर आइडियल गैस भी कह सकते हैं, ठीक है, आइडियल गैस। अगर एक परफेक्ट गैस को फ्रेंड्स आपको आइडियल गैस बनाना है तो आपको वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी लो प्रेशर करना होगा, तो परफेक्ट गैस आइडियल गैस के अंदर चेंज हो जाती है, और अगर केवल आइडियल गैस है तो वो भी उसकी भी जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। राइट, देख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर रिलेशन, तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ आपको बताता है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी जो हो जाएगा या करेक्ट हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन में फ्रेंड्स वर्क क्या होता है आपका, हमेशा जीरो होता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोग को पता होगा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या कहलाता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असर्ट दैट द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, फर्स्ट लॉ से आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी, जीरो लॉ से टेम्परेचर, और एंट्रोपी कौन से आती है, सेकंड लॉ से। देखिए फॉर ए क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड, सेम क्वेश्चन, और वर्क डन का जो डिफरेंस होता है मैंने बताया था इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू बराबर यू होता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। विच एक्सेप्ट डज नॉट पर्टेन टू फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, कौन सी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का जो बिल्कुल जो भी मतलब इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्क डन जीरो होता है बिल्कुल ठीक है, फ्री एक्सपेंशन कोई वर्क नहीं होता, प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये गलत है। देखिए प्रेशर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं रहता, प्रेशर ड्रॉप होता है। इन इंटरनल देखिए द इंटरनल एनर्जी तो परफेक्ट गैस डिपेंडेंट, तो परफेक्ट गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है फ्रेंड्स वो आपकी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, 31 का सी, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे द ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस द पी दे रखा फिक्स मास आइडियल गैस डेल्टा पी, द वैल्यू ऑफ द डेल्टा वी ओवर बी, तो ये आप लोग को पता ही होगा, बल्क मॉडल्स के रेस्पेक्ट में भी आप लोग इसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो जाएगा 32 का बी, ठीक है, माइनस वन अपॉन गामा डेल्टा पी ओवर पी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये आपका दिखा, ये आपका फ्रेंड्स किसका दिया जाता है, ये जो आपका वर्क देता है नॉन फ्लो रिवर्सल प्रोसेस के लिए, इसका वर्क ये दिया जाता है नॉन फ्लो रिवर्सल प्रोसेस, फ्लो वाले होता तो इसका आंसर हो जाता है माइनस वन से टू वी डी पी, ठीक है, प्रेशर वाली एक्सेस पे आपका यहाँ ये अगर इस तरीके से होता है तो वो होता है आपका फ्लो, स्टडी फ्लो रिवर्सल प्रोसेस के लिए होता है, और नॉन फ्लो के लिए कौन सा होता है पी डी बी। बिच प्रॉपर्टीज है इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, देखिए जिसके साथ भी स्पेसिफिक लग गया इसका मतलब वो मास, उसका मास तरीके से कह सकते हैं खत्म हो गया, तो सीधे सीधे वो स्पेसिफिक जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो इंटेंसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स अमंग द फॉलोइंग, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन सी फ्रेंड्स, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इफ द टू लिक्विड एट डिफरेंट टेम्परेचर मिक्स व्हेन द फाइनल टेम्परेचर मिक्स विद द ऑप्टेन बाय यूजिंग, तो दो टेम्परेचर आपके अगर मतलब दो लिक्विड्स को आपस में मिला दिया जाए तो उनका फाइनल टेम्परेचर कौन से लॉ से मिलेगा, तो ऑलवेज मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हीट सप्लाइड टू सिस्टम इक्वल टू द वर्क। देखिए हीट सप्लाइड और वर्क अगर क्यू बराबर डायरेक्ट डब्ल्यू हो रहा है, इंटरनल एनर्जी कोई भी चेंज नहीं रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो जीरो होगा। तो हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं क्यू बराबर क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और जब डेल्टा यू जीरो होगा तो जो क्यू होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी जितनी हीट देना है वो वर्क में चेंज हो रही है। तो यहीं पे कह रहा है हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल टू द वर्क, यानी क्यू बराबर डब्ल्यू हो रहा है, ठीक है। तो आइसोथर्मल हो गया। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तभी डेल्टा यू जो होता है जीरो रहता है, ठीक है, क्योंकि यू वन यू टू क्या रहती है, सेम रहती है। एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन ऑफ विच, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत ईजी क्वेश्चन है तो पता होगा, ना ही हीट, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती सिस्टम की बाउंड्री के बाहर, सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही जो भी होता है ट्रांसफर होता है, बाउंड्री के बाहर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती है। और ये देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि एक गैस इज ए कंटेनर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में, अनदर गैस सेम मास कंटेनर बी में, एक गैस ए कंटेनर में दूसरी गैस बी कंटेनर में है, और प्रेशर वॉल्यूम उनके इस तरीके से रखे हैं बाई सफिक्स लगाया गया एवी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप यहाँ देख सकते हैं पी ए वी ए बराबर पी बी बी बी, तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग को डायरेक्ट ही स्टेटमेंट पता होगा, बाकी तो सभी गलत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज वेरी अच्छा क्वेश्चन है वाला, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 41 है फ्रेंड्स, 41 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लोज बलून कंटेनिंग 10 केजी ऑफ हीलियम रिसीव 5 केजी ऑफ हीट। तो देखिए बलून का आप यहां देख सकते हैं मास कितना दे रखा है फ्रेंड, बलून का मास दे रखा है 10 केजी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसको कितनी हीट रिसीव होती है, क्यू बराबर आपकी हीट जो रिसीव हो रही है फ्रेंड्स हो रही है 5, ठीक है, 5 किलो जूल पर केजी। और यहां पे देखते हैं प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीज बाई, तो यानी वॉल्यूम इंक्रीज यानी डेल्टा भी आपको कितना दे रहा है, डेल्टा भी फ्रेंड्स आपको दे रखा 0.2। तो आपसे पूछा गया है कांस्टेंट प्रेशर पी बराबर दे रखा है आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे पी बराबर फ्रेंड्स आपका दे रखा 100 किलो पास्कल, ठीक है, किलो पास्कल यहाँ पे गिवन है। तो पूछा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी आपसे पूछा गया डेल्टा यू, ठीक है फ्रेंड्स आपसे पूछा गया डेल्टा यू। तो यहाँ पे आप लोग को इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी, देखिए यहाँ डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जब भी पूछी जाएगी तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। तो आप लोग को पता होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्यू बराबर जितनी हीट हम सिस्टम में किसी भी सिस्टम को देते हैं वो क्या काम करती है, एक तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू बढ़ाती है, दूसरा क्या बढ़ाती है फ्रेंड्स वर्क डन करती है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो आपको देखिए क्यू तो गिवन है, क्यू क्या गिवन है फ्रेंड्स 5 दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू जैसे निकलेगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा डेल्टा यू, यहाँ पे आप निकाल लेंगे। तो देखिए डब्ल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको को पता हो W निकालने के लिए आपको फॉर्मूला, बेसिक एक फॉर्मूला लगाना होता है P delta V। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं P delta V फ्रेंड्स आपका कितना होगा, प्रेशर आपका दे रखा है 100 और यहां डेल्टा V दे रखा है 0.2। तो यहां पे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 20 किलो जूल आ जाएगा W, W कितना आ जाएगा 20 किलो जूल, ठीक है। तो और यहां पे Q कितना दे रखा 5, लेकिन Q में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, Q की जो यूनिट है वो दे रखी है किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी, और यहां पर दे रखिए किलो जूल में। तो अब अगर इन दोनों को आपस में माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की यूनिट अलग है, तो इसे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, क्यू को हम किलो जूल में बनाने के लिए क्या करेंगे, मास कितना दे रखा 10, और देखिए जैसे ही हम मास से 10 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड, तो केजी 10 केजी से केजी, तो नीचे वाला केजी दोनों यूनिट्स का कट जाएगा, तो सीधे जो आपका क्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा 50, यानी 5 × 10 सीधे 50 आ जाएगा। और क्यू भी आपका किसमें चेंज हो जाएगा, क्यू बराबर आपका भी चेंज हो जाएगा किलो जूल में, तो 5 किलो जूल हो जाएगा। इसी तरीके से आपका डब्ल्यू कितना निकला 20 किलो जूल, जैसे इसमें आप रखेंगे क्यू की जगह 50 और डब्ल्यू की जगह कितना 20, और ये माइनस आएगा तो सीधे क्या बनेगा फ्रेंड 30। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 30 किलो जूल यहाँ पे फ्रेंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा जैसे मैंने कराया एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अभी तक आप लोग ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा नीचे, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और नो लीव, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी हीट ना आती है ना जाती है, तो ऐसी प्रोसेस आपकी कौन सी प्रोसेस कहलाती है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, वो कौन सी होती है, आइसेंट्रोपिक यानी रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर किसी भी तरीके की हीट ना आती है ना जाती है। अब देखिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर पी, सेम वॉल्यूम वगैरह दे रखी है, द मिक्सचर हैज द इट्स वॉल्यूम बी एंड द टेम्परेचर डी, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर का प्रेशर क्या होगा, डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के प्रेशर आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, पार्शियल प्रेशर आपके जुड़ जाएंगे। तो 43 का फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द पिस्टन ऑफ द वर्टिकल सिलेंडर डिवाइस कंटेनिंग ए गैस ऑफ द मास 60 केजी और क्रॉस सेक्शन कितना रखा 4, द एंटायर सिस्टम प्लेस इन अ वैक्यूम चैम्बर, पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं, द टेम्परेचर 70 डिग्री, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इन साइड द सिलेंडर, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितना प्रेशर होगा मतलब सिलेंडर के अंदर। तो देखिए अगर इनसाइड सिलेंडर है ऊपर पिस्टन लगा हुआ है तो आप लोग एक फॉर्मूला, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया, पी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन है देखिए इसका सॉल्यूशन कितना आसान है, पी बराबर फोर्स अपॉन एफ बराबर आप लोग जानते होंगे एफ बराबर होता है फ्रेंड्स एमजी यानी एमजी अपॉन ए। अब बस यहाँ पर आपको प्रेशर ही तो पूछा है कितना प्रेशर होगा, तो देखिए पूरा ये आपका कैसा सिस्टम है वैक्यूम चैम्बर है तो किसी भी तरीके का अदर तो कुछ होगा इफेक्ट नहीं, तो मास यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना दे रखा 60, मास दे रखा 60 और जी होता है 9.8, यहाँ लगाइए 9.8 और अपॉन में एरिया कितना दे रखा 0.04 और जैसे ही फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट कर इसका आंसर आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1.4715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर बनेगा ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बार में निकालना है तो बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे 1, 2, 3 यानी 5 पॉइंट पीछे कर देंगे तो जैसे ही आप 6.1, 2, 3, 4, 5 करेंगे तो 0.147 बार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी 0.147 बार। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि कंटेनर है जो कि पिस्टन सिलेंडर असेंबली है तो आप प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर बराबर क्या था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बराबर हो जाएगा एमजी अपॉन एरिया, यहाँ पे इस दोनों वैल्यू को अपपुट करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, टेम्परेचर क्या रहता है हमेशा क्या रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे कांस्टेंट रहता है तो ये आप लोग को पता होगा, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट किसी को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाई व्हेन एनी सिस्टम कन्फाइंड विद अ बाउंड्री इज कैरीड थ्रू सीरीज ऑफ द ऑपरेशन सच दैट द फाइनल स्टेट इज सेम एज द इनिशियल स्टेट, अगर देखिए फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम रहेगी तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो नेट हीट होगी यानी नेट हीट वो नेट वर्क के बराबर होगी, अगर मान लीजिए एक प्रोसेस के अंदर यहां से स्टार्ट करें गोल गोल घूम के वहीं पर आ गए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सिस्टम के अंदर जितना आपका मतलब कह सकते हैं नेट हीट है वो किसके बराबर होगी, वो आपके नेट वर्क के बराबर होगी, यानी डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू होगा, सीधे सीधे याद रख सकते हैं डेल्टा क्यू बराबर क्या होगा डेल्टा डब्ल्यू, और इंटरनल एनर्जी किसी भी पाथ पे जाएंगे तो क्या होगी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द नेटवर्क हीट सर्फेल इक्वल टू नेटवर्क, यही मैंने स्टेटमेंट बताया कि नेटवर्क डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हीट ट्रांसफर होता है वो किसके बराबर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपको पता है इंटरनल एनर्जी तो जीरो ही होती है तो जो क्यू बराबर सीधे सीधे डेल्टा यू यानी वर्क के बराबर हो जाता है। जो पीवी डायग्राम के अंदर एरिया होता है फ्रेंड्स आपका क्या देता है वर्क ट्रांसफर, और टीएस डायग्राम के अंदर जो एरिया होता है वो क्या देता है आपका हीट ट्रांसफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ट्रांसफर कौन सा एरिया देता है पीवी, मतलब आप अगर कोई भी प्रोसेस अगर पीवी डायग्राम के अंदर बना रहे हैं मान लीजिए पी है ये भी है तो ये जो एरिया होगा ये आपका देगा वर्क, और सेम अगर इसी के प्लॉट आप टी एस प्लांट पे कर देंगे तो यहां पर जो एरिया देगा ये आपका क्या देगा हीट ट्रांसफर, तो इसको भी आप याद रखिए दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर में काफी बार आते हैं। कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है आपकी किस पे डिपेंड करती है, आप कार्नोट साइकिल की जो फ्रेंड्स एफिशिएंसी होती है आपकी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर लिमिट पे ठीक है, क्योंकि आप लोग बताओगे 1 - T2 / T1। एंथैल्पी क्या होती है आप लोग बताओगे, एंथैल्पी होती है यू प्लस पीवी यानी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर ऑफ वॉल्यूम का क्या आपका कह सकते हैं जो एडिशन होता है, प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन को जब इंटरनल एनर्जी के साथ जोड़ देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी यू और फिर प्रोडक्ट ऑफ द दोनों की गुणा किसकी प्रेशर ऑफ वॉल्यूम की, तो यही आपकी क्या होती है एंथैल्पी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका मास और एनर्जी जो होते हैं दोनों ही फ्रेंड्स क्या करते हैं पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे 51 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए। क्लोज सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर आपका मास बाहर नहीं जा सकता लेकिन एनर्जी जा सकती है, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है जिसके अंदर ना ही मास और ना ही बाहर आपके मतलब बाउंड्री के बाहर जाएंगे। नेग्लेक्टिंग द शाफ्ट और स्टडी फ्लो प्रोसेस, जैसे कि आपको बताया था मैंने क्या होता है वीडीपी फ्लो प्रोसेस के अंदर या नेगेटिव साइन भी आता है वर्क नेगेटिव होता है लेकिन नहीं दिया तब भी फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस वीडीपी, और पीडीपी किसका होता है ये आपका होता है नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, जैसे पिस्टन वगैरह जो होता है वो नॉन फ्लो प्रोसेस होता है, और फ्लो प्रोसेस का मतलब जैसे कि आपका टर्बाइन हो गया कंप्रेसर हो गया पंप हो गया तो ये सारे फ्लो होता है ना इसके अंदर, तो इसलिए आपका क्लास क्या कहलाता है ये माइनस वीडीपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने आपको बता दिया क्या देता है फ्रेंड्स एंट्रोपी देता है, मैंने तीनों बता दिया, सेकंड लॉ एंट्रोपी देता है आपका, इंटरनल एनर्जी आपका फर्स्ट लॉ देता है, और जीरोथ लॉ आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकिल मतलब इरिवर्सिबल है तो फ्रेंड्स उसका करेक्ट आंसर आपको बताओ क्लासियस इनइक्वालिटी के थ्रू, यहाँ पे क्या होता है जो डीक्यू बाई डीटी होता है स्मॉलर देन इक्वल स्मॉलर
सॉरी स्मॉलर वाला जीरो के बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पे इसे याद रखिए। अब यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 327 और 27 के बीच आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे आप इसे लगाइए 1 माइनस, तो पहले से केल्विन में चेंज कर ली तो 227 को करेंगे दिस इज 300, और यहाँ पे कितना होगा 327 को 273 के साथ अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 600 के आसपास। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये सब जब काटेंगे तो 1.5 आएगा, 0.5 का मतलब 1/2, तो यहाँ पे 55 का फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 यानी 0.5%, यानी 50% एफिशिएंसी आ जाएगी, दिस इज वेरी बिग। रिवर्स फिल प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने बताया था डी क्यू बाई स्मॉलर देन जीरो। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी देख फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल आ गया है, न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस चीज को देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरीके का न्यूमेरिकल है, इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं, ए हीट इंजन सप्लाइड 278 किलो हीट एट द कांस्टेंट फिक्स टेम्परेचर 283 एंड हीट रिजेक्शन 23+500, द इंजन इज रिवर्सिबल हीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो हम लोग इसे बनाते हैं एक बार फिगर को, थोड़ा सा देखिए जगह यहाँ पे स्पेस कम है, फिर भी आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। देखिए हीट इंजन के क्या होता है, एक फ्रेंड्स होता है आपका सोर्स और एक क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है सिंक, सोर्स होता है सिंक, तो सोर्स का टेम्परेचर फ्रेंड्स आपको कितना रखा है 283 के आसपास दे रखा है डिग्री सेल्सियस, 283 डिग्री सेल्सियस, तो 283 डिग्री सेल्सियस को जो हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 556 केल्विन, ठीक है। इसी तरीके से सिंक का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो उस हिसाब से करेंगे तो दिस इज 278, ठीक है। और बीच में आपका लगा होता है इंजन और यहां से आपको क्या मिलता है फ्रेंड्स, वर्क अगर आप, और यहां से आपको हीट दी जाती है, तो हीट कितनी दे गई है 278 आपकी हीट सप्लाई करी गई है, 278, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 278 सप्लाई करी गई है, आपको वर्क अभी कुछ भी पता नहीं है, और यहाँ पे आपको दोनों टेम्परेचर सोर्स के और सिंक के दे रखे हैं, तो यहाँ से आप इफिशियंसी तो इंजन की निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। कैसे आपको पता होगा इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T sink over T source, टी सिंक ओवर टी सोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप टी सिंक यहाँ पे कितना वैल्यू रखेंगे, ये वाला 200 कम वाली वैल्यू रखी जाती है हमेशा, देखिए 278 वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर कितनी रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 - 278 और यहाँ पे आपकी जो दूसरी वैल्यू होगी फ्रेंड्स वो होगी आपकी वैल्यू 556, और जब दोनों की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे इफिशियंसी जो आएगी फ्रेंड्स आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे जो इफिशियंसी आएगी आपकी वो आएगी 0.5, ठीक है, यानी 50% इफिशियंसी आएगी। अब यहाँ से आपने इफिशियंसी तो निकाल ली, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि हीट कितनी रिजेक्ट हुई, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ही दिमाग लगाइए, देखिए आपके सिस्टम में कितनी हीट दी गई, सिस्टम में हीट दी गई 278 और सिस्टम की इफिशियंसी कितनी है आपकी 50%, यानी सिस्टम क्या करेगा आधी हीट, तो 50% का मतलब क्या, अगर किसी को 100 रुपए में 50% खर्च कर दिए तो 50 उसने खर्च कर दिए, 50 उसके वेस्ट हो गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 278 सिस्टम ने हीट मिली तो उसकी 50% इफिशियंसी है, तो उसकी आधी तो वर्क में बनी और आधी रिजेक्ट हो गई, तो फ्रेंड्स उसकी कितनी रिजेक्ट हुई, तो फ्रेंड्स जो उसकी हीट रिजेक्ट होगी वो 139, यानी इसकी आधी जस्ट होगी फ्रेंड्स यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को इसका आंसर 139 आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन पे, तो 58 क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं कि 58 क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी एक इंजन से बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, स्लो कम क्वेश्चन देखते हैं विद फिगर। तो आप लोग आपको दिख रहा होगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज एफिशिएंसी ऑफ 20%। देखिए एक इंजन है जो कि कह सकते हैं कि हीट वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज एफिशिएंसी कितनी है इसकी 20%। तो यहां पे आपको क्या क्या गिवन है आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि एफिशिएंसी आपको गिवन है कितनी 0.2 मान के चल सकते हैं हम, दिस इज एफिशिएंसी, और वर्क कितना गिवन है आपको 100 किलोवाट, तो वर्क कितना आपका 100 किलोवाट, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम सोर्स एंड द सिंक वुड बी, तो मतलब आपको सोर्स और सिंक का आपको हीट ट्रांसफर, यानी आपको कह सकते हो सोर्स और सिंक का हीट ट्रांसफर आपको ज्ञात करना है, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग जानते हो कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आउटपुट यानी वर्क, और इनपुट क्या दे रहा है हम, जो भी हीट है आपकी, यानी जो इनपुट हीट है, ठीक है, इनपुट हीट मतलब जैसे कि ये वाला ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम हीट देते हैं वो आपकी कौन सी होती है इनपुट हीट होती है, तो आउटपुट क्या होता है जो हमें वर्क मिलता है इंजन से, ठीक है, तो इफिशियंसी हमेशा क्या होती है आउटपुट ओवर इनपुट। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्क कितना है 100 और आपकी यहां से आप जो सप्लाइड यानी क्यू इनपुट हीट निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको नीचे लाएंगे तो 100/0.2 करेंगे, और जैसे ही आप इसे काटेंगे तो वहां से आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आएगा सप्लाइड हीट आएगी 500, सप्लाइड हीट फ्रेंड्स से क्या आएगी आपकी 500। तो जैसे ही आपकी सप्लाइड हीट फ्रेंड 500 आएगी तो वैसे तो आपका जो क्वेश्चन है वैसे यहीं पर खत्म हो गया, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपका यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन हमें क्या इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है।
तो अब हम लोग इसे आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग बताइए, वर्क आपको गिवन है 100, सप्लाइड हीट कितनी है फ्रेंड्स आपकी निकला है 500। तो एक बताइए, जब वर्क आपको 100 है और आप सप्लाई कितनी कर रहे हैं 500, तो मतलब रिजेक्ट कितनी होगी, 400 हीट रिजेक्ट होगी। अगर आप लोग बेसिक से समझे तो 400 हीट रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग के मेरी बात समझ में आ गई होगी। ए हीट इंजन एंड ए डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइक्लिक। तो देखिए हीट इंजन एक डिवाइस होती है जो ऑपरेट करती है थर्मोडायनेमिक साइक्लिक में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हीट इंजन क्या करता है, एक यूजफुल वर्क देता है, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रॉम द हीट रिसीव ऑफ द सोर्स, सोर्स से हीट रिसीव होती है, बिल्कुल करेक्ट। एंड रिजेक्ट टू द रिमेनिंग सिंक, बिल्कुल करेक्ट है ना, आपको यूजफुल वर्क देता है, सोर्स से हीट आती है और सिंक में क्या होती है, रिजेक्ट होती है। यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन देखिए, हीट इंजन रिसीव 100 किलोजूल हीट, यानी आपको दे रखी क्यू सप्लाइड, यानी आपको हीट इंजन के अंदर हीट कितनी आ रही है 1000, और वर्क कितना कर रही है आपकी, आपकी वर्क कितना कर रही है 60। तो रिजेक्ट कितनी हुई, 400 आपकी क्या हुई, हीट रिजेक्ट हुई, 400 आपकी हीट रिजेक्ट हुई। अब देखिए कि इसकी इफिशियंसी कितनी हुई, एक बार बताइए आप लोग, देखिए अगर 1000 है और 600 वर्क मिल रहा है तो इसका मतलब इफिशियंसी कितनी इंजन की, 60%। कॉमन सेंस में भी देख सकते हैं कि 60 अगर उसकी इंजन को 1000 आप 100 के टर्म्स में देखिए, अगर 100 हीट आ रही है 60 वर्क मिल रहा है तो मतलब 64 एफिशिएंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड इसका, 460। आप लोग को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, एज अ कॉमन एग्जांपल भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एप्टीट्यूड की तरह। देखिए एंट्रोपी चेंज किस पर डिपेंड करता है, एंट्रोपी चेंज डिपेंड करता है हीट पर, कि कितनी हीट आई और कितनी हीट गई इस पर आपका डिपेंड करता है एंट्रोपी चेंज। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएस ये अगर ये इक्वल है तो ये किसके लिए इक्वल है, आपको पता होगा क्लॉसियस इनक्वांटिटी की वजह से, ये जो होगा आपका रिवर्सल प्रोसेस के लिए होता है। ये तीन होते हैं आप लोग को इसमें से पता है, जब बराबर होता है तो क्या होता है, रिवर्सल प्रोसेस के लिए होता है। या देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आपका एंट्रोपी चेंज पूछा गया है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए फ्रेंड्स आपका जो एंट्रोपी चेंज होता है फॉर्मूला होता है एमसीपी ln T2 by T1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए और बेसिक है ये। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आईईएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर के अंदर डायरेक्ट उठा के दे देते हैं एसएससी जेई के अंदर। तो इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए इधर हॉट मेटल बॉल इज क्वेंच इन ए लिक्विड लो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस फ्रॉम मेटल बॉल टू लिक्विड नॉट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक हॉट मेटल की बॉल है, गर्म बॉल है, उसे क्या करते हैं क्वेंच मतलब ठंडा करते हैं किसमें, लिक्विड में। तो वहां पर क्या होता है लो टेम्परेचर हीट विल टेक प्लेस, तो आपको पता होगा लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर, आपको लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होगा, बिल्कुल हीट धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फ्रॉम द मेटल बॉल टू लिक्विड, मेटल बॉल से लिक्विड तक आपकी क्या होगी, हीट कम होती जाएगी, तो यहाँ और रिवर्स डायरेक्शन में कम होती जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट बन क्या है, करेक्ट है। तो देख सकते हैं हीट ट्रांसफर हॉट मेटल बॉडी टू लिक्विड एट द लोअर टेम्परेचर कंप्लाई विद इंक्रीज और एंट्रोपी, तो यहां पर आपका क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्यों, यहां पर हीट ट्रांसफर आपका क्या हो रहा है टेक प्लेस हो रहा है। तो यहां पर ये भी आपको ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसीलिए यहां पर आप कह सकते हो कि बोथ ए एंड आर आर द करेक्ट, एंड इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ द इवेपोरेशन 100 डिग्री सेल्सियस पर इतनी है, व्हाट इज द चेंज ऑन एंट्रोपी। तो आप लोग जानते होंगे ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ इसमें देख सकते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है आपकी, लेटेंट हीट बटे टेम्परेचर, बस इतना सा फॉर्मूला लगेगा। लेटेंट हीट क्यू भी कह सकते हो, क्यू बाई टी होती है, आपको एंट्रोपी चेंज पता होगा क्यू बाई टी, यहाँ क्यू कौन सी है, लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट आपकी कितना है, 2560 बटे टेम्परेचर 200 है, तो उसे 273 में आप लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2560 बटे 373। जब इसकी वैल्यू आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6.86 किलो जूल पर केजी, यहाँ पर इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए टू स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है आपको पता होगा सीपी बटे सीबी बराबर होता है गामा, ये तो आपको पता होगा सीपी बटे सीबी बराबर होता है गामा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41। तो कांस्टेंट प्रेशर की स्पेसिफिक हीट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को पता होगा यहाँ पे तो ये बेसिक इक्वेशन पता होगा पीबी बराबर क्या होती है एमआरटी, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गैस की पूछी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, पी बराबर एमआरटी। और देखते हैं आगे ड्राइनेस फ्रैक्शन फ्रेंड्स आपका क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका होता है मास ऑफ द ड्राई स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है आप लोग याद रखिए, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर क्या होती है ड्राई स्टीम यानी जो सूखी स्टीम होती है उसका मास ऑफ द ड्राई स्टीम बटे मास ऑफ द ड्राई प्लस मास ऑफ द वाटर वेपर सस्पेंशन। तो ऊपर याद रखने के लिए ड्राई को याद रखें ताकि आपको याद रहे, और ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है कि आप लोग को पता होगा अगर टीएस प्लॉट आप लोगों ने कभी देखा होगा तो टीएस प्लॉट पे क्या होता है, यहाँ पर ड्राइनेस फ्रैक्शन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जीरो होता है, उसके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स बराबर वन यानी सुपरहीटेड जोन में चला जाता है, तो मतलब मैक्सिमम डायरेक्ट फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है वन, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो कितनी ड्राई स्टीम है बटे नीचे कितनी उसमें है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिस पे सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों फेज क्या होते हैं एक साथ होते हैं। देखिए ट्रिपल पॉइंट और एक और पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट, तो दिस इनमें कंफ्यूज कभी नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या पॉइंट होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, कपूर, कपूर आप लोग ने देखा होगा जिसे हम लोग कहते हैं कैंपर,
कपूर में क्या होता है, कपूर को जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, अचानक से क्या होता है, कंप्यूटर सॉलिड से सीधे वेपर में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसका सब्लिमेशन हो जाता है, उसमें लिक्विड नहीं बनता। जैसे कि अगर आप बर्फ को करेंगे तो पहले पानी बनेगा फिर गैस बनेगी, लेकिन कपूर के अंदर क्या कंडीशन होती है कि उसमें सीधे सीधे वो किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में। तो ये आपका वो पॉइंट, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं किसी भी चीज का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि वहां पर जो सीधे फेज चेंज हो जाए, मतलब एक फेज बीच में गैप रहता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लिक्विड और वेपर फेज क्या रहता है, आपस में मतलब बिल्कुल सेम फेज रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहां पर आपके तीनों ही फेज होते हैं, एक फेज का गैप नहीं होता इसमें। देखिए लिक्विड्स और तीनों फेज के बारे में बात होती है, क्रिटिकल पॉइंट में दो फेज के। और क्रिटिकल टेम्परेचर आपका कितना होता है, तो ये आप हमेशा याद रखिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 374 के आसपास, वैसे 373.15 के आसपास होता है, 374 भी से कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो आर की वैल्यू देखिए आप लोग को मैं बता देता हूं। देखिए जो गैस कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट होता है वो सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आपकी इसमें हो जाएगी, सबसे ज्यादा वैल्यू जो आपकी फ्रेंड्स हो जाएगी इसके अंदर नाइट्रोजन की वैल्यू, इसकी जो करेक्ट वैल्यू मैंने बताई थी आपको नाइट्रोजन हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब देखते हैं द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज अप्रोच, आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी जो गैस की होती है फंक्शन किसकी होती है, टी की, आपको पता होगा 3/2 kT होता है, 3/2 ई बराबर होता है 3/2 kT, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर 3/2, तो ई जो फंक्शन होता है किसका होता है, डायरेक्ट टेम्परेचर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्पेसिफिक सुपरहीटेड वेपर, हमें अगर सुपरहीटेड वेपर का जो अगर हमें पता करना है कि सुपरहीटेड वेपर है तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो मेन जो हमें चीज चाहिए होगी वो प्रेशर चाहिए होगा और उसका टेम्परेचर चाहिए होगा, इन दोनों से हम पता कर सकते हैं कि वेपर जो है सुपरहीटेड वेपर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्हेन वेट स्टीम फ्लो थ्रू ए थ्रॉटल, मतलब अगर कोई भी गीली भाप है वो थ्रॉटल वाल्व के थ्रू जाती है तो उससे क्या होता है, तो उससे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कोई गीली मतलब भाप जो होती है जाती है तो आपको पता होगा जैसे कोई भी आप बलून से अगर कोई गैस निकलती है तो ठंडी होती है, तो सबसे पहले इसी तरीके से देखते हैं थ्रॉटलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, मास ऑफ वेपर, तो जैसे ही आपकी थ्रॉटलिंग होती है तो क्या होता है आपकी जो ड्राई वेपर होती है वो बढ़ जाती है, तो एमवी ओवर एमवी प्लस एमएस, तो जब बढ़ती है तो उससे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। देखिए एंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर, तो देखिए हमेशा जो एंथैल्पी होती है इवोपरेशन की आपकी ऑलवेज घट जाती है अगर प्रेशर आपका बढ़ता है, और लेटेंट भी प्रेशर बनाने पे घट जाती है, आपको बताता हूं कैसे। देखिए टीएस प्लॉट होता है, आप लोग को पता होगा टी टेम्परेचर और एंट्रोपी प्लॉट, ये टीएस प्लॉट होता है, और इसमें जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डोम की तरफ तो वैसे वैसे क्या होता है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और लेटेंट हीट एक समय पर आता है, ग्राफ बहुत पतला हो जाता है, तो यहां पर क्या होता है आपका लेटेंट हीट जो हो जाती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ साथ आपका क्या होता है ऑलवेज याद रखिए, जो आपकी इसी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर आपकी एंथैल्पी भी क्या होती है ऑपरेशन की घट जाती है। क्रिटिकल प्रेशर आपका कितना होता है, क्रिटिकल प्रेशर आप लोग को पता नहीं 225 बार और कहीं कहीं इसका आंसर 221 बार भी होता है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो। मैं वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है, बात तो आपको पता ही, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज रिमेंबर करिए यूनिट होता है एक होता है, ठीक है। आइडियल गैस के लिए क्या होता है कंप्रेसिव फैक्टर की वैल्यू होती है फ्रेंड्स एक। हीटिंग वेट स्टीम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सेम एज हीटिंग एट, देखिए अगर गीली स्टीम को कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम गर्म कर रहे हैं तो वो किसके समान होगी, तो वो हमेशा किसके समान होगी कि अगर स्टीम को कॉन्स्टेंट प्रेशर पर गर्म कर रहे हैं या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दोनों ही जो होंगे एक जैसे होंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ देखते हैं विच गैस अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक इंडेक्स, तो आप लोग को पता होगा जितनी भी तीन गैसेज होती है जैसे मोनोटोमिक, एक होती है डायटोमिक और तीसरा होता है पॉलीटोमिक। मोनो मतलब जिस गैस के अंदर केवल एक एटम होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो गैसेज होती है इनमें इनमें क्या होता है आपका एक मॉलिक्यूल होता है, केवल हीलियम का एक होता है ना, तो उसमें जो वैल्यू होती है 1.67 होती है गामा की वैल्यू, मतलब सबसे ज्यादा होती है 1.67 जो मोनोटोमिक गैसेज होती हैं। ऐसी आपकी डायटोमिक गैसेज होती हैं उसमें जैसे कि आपकी हाइड्रोजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो उसकी आपको पता होगी गामा की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे आपकी पॉली एटॉमिक जैसे कि मीथेन हो गई, 3 से 4 आइटम ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी हो जाती है 1.3 के आसपास। तो याद रखिए जितनी मॉलिक्यूल कम होंगे उसकी उतना ज्यादा क्या रहेगी एडियाबेटिक इंसेंट, यानी गामा की वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी, तो हीलियम की इसीलिए गामा की वैल्यू क्या होती है सबसे ज्यादा रहती है। अब एक न्यूमेरिकल है देखते हैं, पर्टिकुलर आइडियल गैस वैल्यू आर दे रखा आपको इतना और गामा की वैल्यू दे रखी इतनी, तो आपको सीपी और सीबी आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए इसकी दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं, एक तो ये होता है एक फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा मेयर का सूत्र की सीपी माइनस सीबी बराबर होता है आपका आर, सीपी माइनस सी बराबर आपका आर, तो यहाँ पे आपको आर गिवन है और गामा गिवन है। अब और एक और फॉर्मूला होता है आप लोग को पता होगा सीपी ओवर सीबी बराबर गामा, ये दो फॉर्मूले आपको पता होंगे, ठीक है। सीपी ओवर सी बराबर गामा, तो गामा बता देगी सीपी ओवर सी बराबर गामा, तो गामा की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, गामा की वैल्यू आपकी 1.3 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपी बराबर आ जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका सीपी बराबर हो जाएगा 1.3 गामा,
1.3 CV, ये बनेगा। जब CP मिल गया तो इस CP को उठा के आप किस में रख देंगे, इसमें। तो 1.3 CV माइनस CV बराबर R, R की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 0.280। तो इस तरीके से बहुत इजी से दोनों CP और CV की वैल्यू निकाल लेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि CP ओवर CV बराबर गामा होता है एक फॉर्मूला, और एक CP माइनस CV बराबर R, CP माइनस CV बराबर R होता है। इन दोनों फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी CP और CV की। तो यहां से जो आपकी वैल्यू बनेगी फ्रेंड्स, वो आपकी वैल्यू बनेगी B वाली, ठीक है। इसको आप देख लें, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, या जिसे कह सकते हैं 273 केल्विन, क्योंकि 273 + 4 यानी 273। एज द प्रेशर इंक्रीजेस सैचुरेशन टेम्परेचर, देखिए अगर सैचुरेशन टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है फ्रेंड्स, ऑलवेज ऑलवेज बढ़ता है। याद रखिए सैचुरेशन आपका जो होता है हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। और ये आप कैसे देख सकते हैं, देखिए सीधे सीधे मैं आपको बताऊंगा, प्रेशर बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है। आप लोग कहीं भी किसी चीज को दाब लगाएंगे, मतलब दबाएंगे, तो वहां से क्या होगा फ्रेंड्स, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ी भी बढ़ेगा। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट पे आपकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती, बिल्कुल गलत। ट्रिपल पॉइंट पे आप देख सकते हैं 3 फेज ऑफ मैटर इक्विलिब्रियम, तो आपको पता ही होगा थ्री जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर 3 फेज जो होते हैं आपके क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो ये आपका जो है क्या नाम है, कह सकते हैं ये वाला जो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ आपके जो थर्मोडायनेमिक्स के आप देख सकते हैं 2015 तक जितने भी 2007 से 2015 तक जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हुए थे, 84+84 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए विद सॉल्यूशन। एक ही क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन बता दिया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार आए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं अभिषेक इसी तरीके की लेटेस्ट और भी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं इनके मैं धीरे धीरे करके सारे कवर कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।